अब आते हैं दूसरे पार्ट पर कि अल्लाह के नामों और सिफतों में, अस्मा व सिफात, अल्लाह के नामों और सिफतों में तौहीद बरकरार रखना। यहां पे क्या बात है, आपको पता है अल्लाह के कई नाम है, हा लिल्लाही अस्माउल हुस्ना, अल्लाह की है कि है सारे खूबसूरत नाम, अल्लाह के जो नाम है वो सब खूबसूरत है। लिल्लाही अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के है खूबसूरत नाम, फदूहु बिहा, उन नामों से अल्लाह को पुकारो। कुरान में चार जगहों पे अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह के है ये खूबसूरत नाम। कितने नाम है अल्लाह ताला के? लोगों में मशहूर है कि अल्लाह के 99 नाम है, हालांकि हम देखते हैं कि अल्लाह के कितने नाम है हमें नहीं पता। 99 नाम याद करने की खुसूसी फजीलत है सही बुखारी में, कि जो 99 नाम याद करेगा, फहफिजहू, उनको हफिजहू, उनकी हिफाजत करेगा, मतलब समझ कर पहचान कर उन पर ईमान रखेगा, दखल अल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि अल्लाह के कितने नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अस्अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुवा लका, ए अल्लाह मैं सारे नामों से तुझे पुकारता हूँ, समैता बिही नफ्सक, जो तूने अपने आप को दिया, और अनजलता फी किताबिक, या अपनी किताब में नाजिल किया, और अल्लमता अहदिन मिन खल्किक, या तेरे मखलूक में से किसी को सिखाया, अविस्तासरता बिही फी इल्मिल गैब इंदक, या जो तूने अपने इल्म गैब में अपने पास छुपा के रखा है। सुनिए अल्फाज, जो तूने अपने इल्म गैब में अपने पास छुपा के रखा है, ये क्या है? पता चला अल्लाह के कितने नाम है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अल्लाह के जितने भी नाम है सब पर हमारा ईमान है। अच्छा ये बताइए, सिफत, सिफत और नाम, अस्मा नाम प्लूरल, इस्म से आता है नाम, जैसे कहते हैं मस्मु, क्या नाम है तुम्हारा, तो अस्मा अल्लाह के नाम, सिफत की जमा सिफात, अल्लाह के नामों और सिफात में दोनों में अल्लाह की वहदानियत बरकरार रखना, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं है, वो तो है ही नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई कुफू बराबर नहीं है, लेकिन अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है, अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है। सूरह शुरा में है, सूरह 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिस्ली शय, अल्लाह के बमिस्ल कोई नहीं है। अरे भाई अच्छी बात है, जरा बताओ अगर ऐसा हम में से किसी के साथ हो जाए, आप बताओ अगर आपको वो रूम में वो लोग देख रहे हैं, वहां पे वो जो अलग रूम है उसमें कोई वो लोग कुछ बात कर रहे हैं, वो यहां आपको सुनाई देने लगे, तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? यहां मैं बोल रहा हूं ये भी सुनाई दे रहे हैं, वो भी सुनाई देने लगे। और सोचो इससे और दायरा बनाओ, पूरे कुरला में जहां जहां जो जो लोग बात कर रहे हैं सब कुछ सुनाई देने लगे आपको, और आगे बढ़ के पूरे बॉम्बे में जो जो लोग जितनी भी बात कर रहे हैं सब कुछ सुनाई देने लगे, पूरी दुनिया में जितनी बातें हो रही है, जितनी आवाज हो रही है, जितनी मशीन जानवर जहां जहां जो भी आवाज हो रही है सब कुछ एक इंसान को सुनाई देने लगे, तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ी देर में पागल हो जाएगा। हाँ ये अच्छा है, नहीं सुनाई देता है, अच्छा है सुनाई नहीं देता है, जितना है वो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की जो सिफात है ना वो अल्लाह के लिए अच्छी है, हमारे लिए नहीं अच्छी है। हाँ अल्लाह ताला वो है असमी, सब कुछ सुनने वाला, गूंगे की पुकार सुनने वाला, दिल ही दिल में आदमी बात करता है अल्लाह, तो दिल ही दिल में हम जो पुकारते वो भी सुनता है अल्लाह ताला। हाँ अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाला है, ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुमुल अबसार, नजरें उसे इहाता नहीं कर सकती लेकिन उसकी पकड़ तो हर नजर पर है, जो हम अपनी नजर से देख रहे हैं ना वो अल्लाह भी देख रहा है। हाँ हर नजर पे पकड़ है अल्लाह की। हाँ तो अल्लाह के नामों और अल्लाह की सिफतों में अल्लाह की तौहीद बरकरार रखना, यानी अल्लाह के बराबर तो कोई है नहीं, अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है। अच्छा यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि सारे जो नाम है वो सिफत भी है, सारे जो नाम है अल्लाह के नाम है ना, अर रहमान अर रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन अल मुहिमिन अल अजीज अल जब्बार, जो सारे नाम है वो सिफतें भी है, जैसे अल्लाह का नाम है असमी, सब कुछ सुनने वाला, ये सिफत भी है, सिफत यानी खुसूसियत, हाँ क्वालिटी, ये क्वालिटी भी है, सब कुछ सुनता भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नाम है और सिफत नहीं, जैसे इंसानों में होता है ऐसा कि किसी का नाम है भाई आदिल, भाई आदिल का मतलब इंसाफ करने वाला, अब देखो तो वो आदमी बहुत जालिम है, ऐसे होते हैं कभी। हाँ या कोई है रहीम, भाई रहम करने वाला, बहुत बेरहम है, तो ऐसा कभी इंसान में हो जाता है, लेकिन अल्लाह के ऐसा नहीं है, अल्लाह के नाम भी वो है, अल्लाह की सिफत भी वो है। तो जो नाम है वो सिफत भी है, लेकिन सारे सिफात नाम नहीं है। लाता खुदुहु सिनतों वला नौम,
उसे ना नींद ना ऊंग काबू में कर सकती है। ये क्या है? अल्लाह की सिफत है, ना नींद आती है ना ऊंग आती है। ये कोई नाम नहीं है, जिसे नाम नींद नहीं आती वो ऐसा नाम नहीं है अल्लाह का, ये सिफत है। हाँ, वह युत इमु वाला युत अमू, खिलाने वाला है उसे खाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या है? सिफत है। तो अल्लाह के नाम जो है, सब नाम सिफत है लेकिन सारी सिफात नाम नहीं है। तो कौन सा चैप्टर ज्यादा बड़ा चैप्टर है, नामों का या सिफतों का? हाँ, सिफात का चैप्टर ज्यादा बड़ा है। और हम देखते हैं कि जो एक गलत फहमी है लोगों में, लोग बोलते हैं कि सारे खूबसूरत नाम अल्लाह के हैं। ये रॉन्ग है। अल्लाह के सारे नाम खूबसूरत है, सारे खूबसूरत नाम अल्लाह के नहीं है। अब यूसुफ खूबसूरत नाम है, अल्लाह का नाम नहीं है। तो अल्लाह के सारे नाम खूबसूरत है, सारे खूबसूरत नाम अल्लाह के नहीं है। ये क्या मौजू है? ये मौजू के अंदर हकीकत में तौकीफ है। तौकीफ यानी क्या? वकूफ, वकूफ से आता है यानी रुक जाना। हमें जो साबित मिलता है कुरान और हदीस में, हम अल्लाह के बारे में बस वो बोल सकते हैं अपनी तरफ से, और कुछ नहीं बोल सकते। अब यहां बात क्या है कि इंसान क्या करते हैं ना, तारीफ जब करने लगते हैं ना किसी की, तो तारीफ करते 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 अल्लाह की खुसूसियात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफात उस इंसान को देने लगते। ये हो गया शिर्क। जैसे हिंदी में शब्द है भाग्यवान, एक है भगवान, अच्छे भाग्य वाला, फॉर्चुनेट आदमी, भाई अच्छी चीजें मिल रही है इसको, और एक है भगवान। तो लोग जब तारीफ करने लगते हैं तो एक इंसान को भगवान बना देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरतन नसारा ईसा इब्न मरियम, सही बुखारी की हदीस है, मेरी तारीफ बढ़ चढ़ के मत करना जैसा ईसा इब्न मरियम की तारीफ ईसाइयों ने की, क्रिश्चियंस ने जैसे जीसस की तारीफ की, वैसे मेरी मत साथ नहीं करना तुम लोग। फैनी अब्दुल्लाह, क्योंकि मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। कहना अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल, हम कहते हैं ना अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल थे हम, बस ऐसे बोलो। कितना अच्छी तालीम खुद के ऊपर सिखाया। हाँ, एक बार एक शख्स ने कह दिया माशा अल्लाह व मा शीत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप, जो अल्लाह चाहता है और जो आप चाहते हो। मुस्नद अहमद में हदीस है, सही सनद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजालतनी वल्लाह अल्लाह, क्या तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया? बल माशा अल्लाह वाहदा, नहीं ये कहो जो अल्लाह अकेला चाहता है। तो अल्लाह के नामों और सिफतों में अल्लाह की वहदानियत बरकरार रखना, इसमें अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं करना किसी को। ये हो गए हमारे दो पार्ट, खत्म हो गए।